फिर से एक सफर शुरू किया है जिसमें आपको एक नया किस्सा सुनाते हैं। बंदिशें बाकी नहीं, रुकना अब यहाँ नहीं, कोई सबर अब रखना नहीं, मुझे बिना लक्ष्य लक्ष्य ही है रहना, कोई मंजर अब तक मिला नहीं जहाँ ठहरना गिला नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम फिर से अपना एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इस बार ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको सरप्राइज दूंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट हम ऑन द वे हैं। और जो हमारा सबसे पहला हॉल्ट आया है अभी तक हमारे घर से निकलने के बाद, वो है हवाई अड्डा मुरथल। हमने सोचा है कि हम यहाँ पर रुक करके थोड़ा सा खाना वाना खा के या चाय पी करके या जो भी है हमें जो भी स्नैक्स में लेना है, उसके बाद हम निकल पड़ेंगे अपने आगे की जर्नी की तरफ। पहाड़ों से मिले हो? जरूर मिले होंगे, पर नजर से बहुत कम। मैंने एक बड़े से आकार वाले घने बादल को समय के साथ मचलते देखा है, फिर उसे बिखरते देखा है। उस ही नीले आसमान में मैंने हवा को जोरों से सनसनाते सुना है, शोर बनाते हुए, दिशा बदलते हुए, उस ही चट्टान के दूसरे छोर पर मैंने झरनों और उस झरने के पास बैठ के एक तसल्ली भरी सिर्फ कॉफी ही नहीं पी, लेकिन साथ बैठ के उस शोर को कानों से गुजरते हुए आत्मा से मिलते हुए देखा है। हर पहाड़ पर रहने वाला पहाड़ी ही है, पर शहरों में दूर जाके बसे हम, यार हम भी तो ही पहाड़ी हैं। याद आती है वहां की। सोलन से थोड़ा सा आगे हमने अपना होटल लिया है जहाँ हम स्टे करेंगे फॉर अ नाइट, और ये उसके टेरेस का व्यू है कुछ इस तरीके का। तो आप इसको अच्छे से देखिए, इसके नज़ारे लीजिए। केव के दर्शन करवाते हैं। पांडव गुफा, जिसको हम करोल टिब्बर ट्रैक के नाम से भी जानते हैं, और यह ट्रैक 5.6 किलोमीटर्स का ट्रैक है जो कि आपको स्प्रॉलिंग ग्रासलैंड से होते हुए डेंस फॉरेस्ट के बीच में से और कुछ तालाब में से होकर ये जाता है ट्रैक। और बड़ी मिस्टीरियस केव है ये, और ऐतिहासिक केव है पांडवों की।
यहाँ पे शिव भगवान के परिवार की भी एक हिस्ट्री यहाँ पे जुड़ी हुई है। और करोल टिब्बा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सोलन टाउन से थोड़ा सा एक हिल स्टेशन आगे पड़ता है, और ये टेंपल की बहुत ज़्यादा मान्यता है। इस टेंपल को सिर्फ लोकल लोगों की जानकारी में ही यहाँ पे रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत एक्सप्लोर्ड और सो फेमस प्लेस है, बट अगर हम आपको इस गुफा के दर्शन करवाएंगे तो ज़रूर इसकी हिस्ट्री के साथ करवाएंगे। गुफा की तरफ बढ़ते बढ़ते हमें रास्तों में जिन जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, ये बहुत खूबसूरत थी। पशु पक्षियों, चिड़ियों की आवाज़ें जो थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमने अपने रास्ते को पूरी तरह से इंजॉय किया, बहुत हमने इसको बहुत ज़्यादा चेयर अप रखा अपने आप को भी पूरे रास्ते। हमें थकावट कम और हमें उल्लास ज़्यादा। तो हम यहाँ पर पांडवों की गुफा में पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक ठंडे पानी का स्रोत है जहाँ से हम अपने हाथ और पैर धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। और इस तरफ मंदिर है। ये मंदिर की रखवाली करने के लिए जो यहाँ पे पंडित जी रहते हैं और उनकी वाइफ रहती है, वो यहीं पर हैं और वही मंदिर का ध्यान भी रखते हैं। हम बिल्कुल इस नीचे वाले रास्ते से होकर के आए हैं। अगर आप इसके सामने का व्यू देखें तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। पांडव गुफा हिमाचल के सोलन जिले के करोल पहाड़ में एक रहस्यमय गुफा है जिसे पांडव गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा में भगवान शिव और पांडवों ने तपस्या की थी। यह गुफा यहाँ से चलकर हरियाणा के कालका पंचकुला के पास निकलती है। पांडव इसका उपयोग रहने व आने जाने में करते थे। यह गुफा हरियाणा को हिमाचल से जोड़ती है। इस गुफा का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जाना जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव और उनका परिवार रहता था। गुफा के अंदर कई शिवलिंग बने हुए हैं। स्थानीय लोग सावन के महीने में यहाँ भोलेनाथ की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि गुफा के अंदर कई अजीबोगरीब चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ पांडवों ने तपस्या की थी। गुफा के अंदर थोड़ी दूरी पर एक विशाल झील है। कहा जाता है कि दो साधु इस गुफा का रहस्य जानने के लिए अंदर गए थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। यह गुफा बहुत बड़ी है, कुछ लोग इसमें 1 किलोमीटर तक ही गए हैं। गुफा के अंदर शिवलिंग, शेषनाग जैसी आकृतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी इस गुफा का मुआयना किया है, जिन्होंने अंदेशा जताया है कि इसके भीतर बड़ी झील हो सकती है। इस गुफा से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ बहुत भीड़ है हमारे आगे, जैसा कि आपने देखा ही था, इतने सारे लोग हैं। और मैं कैमरे को मूव इसलिए भी ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि स्टेयर्स भी बहुत पतली हैं। ये है हमारा होटल, बहुत ही सुंदर होटल हमें मिला था। इस होटल का नाम है तरन तारन और यह बिल्कुल होटल आपको मिलेगा जस्ट शिमला के ही रास्ते में, सोलन से थोड़ा सा आगे। और यहाँ पर हमने लिए थे 2 रूम्स 2400 की, दोनों की हमें कॉस्ट आई थी। और यहाँ का स्टे भी अच्छा था, साफ सफाई भी अच्छी थी। अब हम यहीं अपना डे टू का वीलॉग खत्म करते हैं पांडव गुफा का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीलॉग पसंद आएगा। हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।